टाटा हैरियर को इंडिया में लॉन्च हुए बहुत टाइम हो चुका है, पर अभी भी इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर लुक्स आउटडेटेड नहीं लगती है। पर ऐसे कुछ फीचर्स है जो हमें टाटा हैरियर में नहीं मिलते हैं, पर इसकी जो राइवल्स कार्स है जैसे कि XUV700O, टाटा हैरियर के टेस्टिंग के दौरान इसके कुछ स्पाई शॉट्स जो है कैप्चर किए गए थे, जिससे हमें इसके आने वाले फेसलिफ्ट के बारे में थोड़े बहुत डिटेल्स मिल जाते हैं। जैसे कि इस फोटो में हमें इसके ORVM के नीचे एक कैमरा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ आता है कि इस गाड़ी में हमें 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। और दूसरे फोटो में यहाँ पर हमें एक बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिल रही है। अभी जो करंट मॉडल आता है टाटा हैरियर का, उसमें हमें 8.8 इंचेस की स्क्रीन आती है, पर इस स्पाई शॉट में हमें जो है बड़ी स्क्रीन देखने को मिल रही है। तो इसकी साइज़ तो कंफर्म नहीं हो पाई है, पर इसमें हमें पहली वाली से बड़ी स्क्रीन मिलने वाली है। बाकी एक्सटीरियर और इंटीरियर में हमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस ही इस गाड़ी में हमें मिल सकते हैं। और कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग इस गाड़ी में हमें 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल किया जा सकता है, क्योंकि पहले हमें हैरियर सिर्फ डीजल में ही मिलती थी, वहीं पे उसकी राइवल्स जो है बाकी गाड़ियाँ वो हमें डीजल और पेट्रोल के साथ भी मिलती हैं। तो इसी वजह से है जो इस गाड़ी में ये 1.5 लीटर वाला इंजन आने वाला है। तो 360 डिग्री कैमरा, बड़ी स्क्रीन और पेट्रोल इंजन, ये तीनों चीज़ें ही इस गाड़ी के बारे में कंफर्म हो चुकी है। बाकी इस गाड़ी के बारे में बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, जैसे कि इस गाड़ी में हमें लेवल 2 का एडास भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी राइवल्स में हमें लेवल 2 का एडास मिलता है, तो इस वजह से हमें इस गाड़ी में भी लेवल 2 का एडास देखने को मिल सकता है। तो यही कुछ थे टाटा हैरियर के न्यू अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।